अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। 26/11 की याद में वाशी रेलवे स्टेशन पर ब्लड डोनेशन कैंप मुस्लिम एकता फाउंडेशन ने किया आयोजन। के मुंबई आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में मुस्लिम एकता फाउंडेशन द्वारा वाशी रेलवे स्टेशन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के आयोजक ने बताया कि वो पिछले 10 साल से शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं और इस रक्तदान शिविर से जमा रक्त NMMC अस्पताल में गरीबों और जरूरतमंदों के हितार्थ डोनेट किया जाएगा। मुस्लिम एकता फाउंडेशन 10 साल से ब्लड डोनेशन कैंप कर रही। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग जो ब्लड है महानगर पालिका के थ्रू करते, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आज गरीबों को मिले, क्योंकि ज़्यादातर महानगर पालिका गरीब आदमी लोग एडमिट होते हैं उधर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिले, इसलिए हम लोग ये करते। आज इसलिए शहीद दिवस के रूप में मुस्लिम एकता फाउंडेशन ने इधर ये कार्य शुरू किया। बता दें कि इस रक्तदान के मौके पर शिवसेना शहर प्रमुख विठल मोरे और तुर्भे की नगर सेविका शुभांगी पाटिल मौजूद थीं। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुस्लिम एकता फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। अपने देशावर 11 वर्षापूर्वी म्हणजे 26 नोव्हेंबरला जो मोठा हल्ला झाला, अटॅक झाला, त्या अटॅक वेळेला आपल्या देशाचं संरक्षण करण्यासाठी, देशाच्या नागरिकांचं संरक्षण करण्यासाठी ज्या आपल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी जे योगदान दिलं त्या लढाईमध्ये जे पोलीस अधिकारी, जे फायर अधिकारी, फायर ऑफिसर कामी आले, त्यांना मृत्यू त्यांचा यामध्ये झाला, अशा सर्व शहीदांना या रक्तदानाच्या निमित्तानं आणि दरवर्षी गेले 10 वर्ष ही संस्था या ठिकाणी शहीदांना सलाम करण्यासाठी, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी 26 नोव्हेंबरला दरवर्षी या ठिकाणी हा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम, त्याचबरोबर या ठिकाणी ज्या लोकांनी आपलं योगदान दिलं त्यांची आठवण राहावी म्हणून रक्तदानाचा कार्यक्रम या ठिकाणी दरवर्षी केला जातो। मी खरोखर या संस्थेचं या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करतो। यही अच्छा लगता है कि हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम करते हैं, एक ब्लड इनके याद में काफ़ी लोगों की जान बचा सकता है, ये संदेश देते हुए ये मुस्लिम एकता संगठन ने जो प्रोग्राम किया है उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे को इस प्रोग्राम में शामिल होने का एक सौभाग्य मिला, इसलिए इनके बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।